शिवपुरी में पति ने पत्नी से विवाद के बाद 5 साल की बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आरोपी नशे में धुत था। बच्ची को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मंगलवार रात सीता जाटव ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सीता ने पुलिस को बताया कि उसका मायका ग्राम बड़ौदी में है, वहीं ससुराल कोलारस में है। उसका एक बेटा और एक बेटी है। सीता ने बताया कि पति मनोज जाटव से हाल ही में हुए विवाद के बाद वह मायके आ गई थी, जिसके बाद मनोज नशे में धुत होकर उसे लेने बड़ौदी आया और ससुराल चलने की बात कही, लेकिन क्योंकि वो नशे में धुत था, इसलिए सीता ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। पत्नी के इनकार करने से मनोज भड़क गया और अपने साथ लाई बोतल से बेटी नैना, जिसकी उम्र 5 साल थी, पेट्रोल डाल दिया और माचिस से आग लगा दी। ये देख सीता और उसका बेटा राज बच्ची को बचाने के लिए भागे, लेकिन तेजी से फैलने की वजह से वो भी आग की चपेट में आ गए। घायल नैना को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत देखकर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि वो 75% झुलस गई थी। पुलिस ने आरोपी पिता मनोज को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। मनोज जाटव बड़ौदी का रहने वाला है, ये कहीं से पेट्रोल लेके आया है और धमकी दे रहा था कि पेट्रोल में डाल दूंगा, बच्चों पे डाल दूंगा, तेरे पे डाल दूंगा या खुद डाल दूंगा, ये मेरे साथ चलो। इसी झूमा झटकी में इसने अपनी बच्ची के ऊपर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। कैसी क्या बच्ची की हालत है? शरीर पे, ऊपर सिर पे, छाती पे वाइटल पार्ट पे ज़्यादा जली हुई है, उसको ग्वालियर रेफर कर रहे हैं।